Assalamualaikum viewers, welcome to Cookology with Mahrooz and Fahad. उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है, अब सर्दी कम होती जा रही है और बाहर का मौसम आ रहा है और रमजान भी आ रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको रमजान की कोई ऐसी रेसिपी शेयर करें जो आप अफतारी में बना के अपने घर वालों को खिला सके ताकि आपकी तारीफ हो। तो हम आज बनाने जा रहे हैं चिकन ब्रोस्ट, होम मेड चिकन ब्रोस्ट। उसमें जो जो चीजें डलती हैं, जो जो मसाले दरकार होते हैं, हम आपको सब बताएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज जी व्यूअर्स, तो हमने ले लिया 1 kg चिकन। ये मैंने सारे थाई पीसेस लिए हैं, इसको मैंने 2 पीसों में ऐसे अलहदा से कट कर लिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको अब हमने क्या करना है, कांटा लेके, फोर्क लेके इसके अंदर छोटे छोटे से सुराख कर देने, मैं आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, मैंने सारे चिकन में होल कर दिए, आप देख सकते हैं। अब हम इसको करेंगे मैरिनेट। तो चलते हैं मसालों की तरफ। अब इन सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसकी पेस्ट बन जाएगी, फिर इसके अंदर जो आपने ब्रोस्ट को डाल के अच्छी तरह मैरिनेट कर लेना है। तो चिकन को हमारे मसाला लग चुका है, अब इसको हम मैरिनेट होने के लिए कम से कम 3 घंटे के लिए रख देंगे। अगर गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में रख दें, सर्दी है तो आप बाहर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं 3 घंटे के बाद। जी व्यूअर्स, तो 3 घंटे गुजर चुके हैं, हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। तो अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। उससे पहले हमने जो इसको कोटिंग करनी है, उस कोटिंग का मसाला हम तैयार कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें डलेंगी, उसको कोट करना है, फिर हम इसको फ्राई करना है। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। जी व्यूअर्स, तो हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम एक पैन ले लेंगे, इसमें ऑयल डाल के ऑयल को प्री हीट कर, हमारा ऑयल गर्म होता है, हम चिकन को कोट कर लेते हैं। आपने करना क्या है, एक चिकन का पीस लेना है, इसको ऐसे सारा मैदा लगा के अच्छी तरह, ठीक है, ठंडे पानी में एक बार आपने इसको अच्छी तरह डिप करके इसको ऐसे सोक कर लेना सारा, ठीक है। सोक करके आपने सारे चिकन को एक बार ऐसे कोट करके रख देना है। व्यूअर्स, एक बार हमारे चिकन की कोटिंग हो चुकी है और हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब हमने इसको एक बार फिर कोट करके इसको पैन में डाल देना है। व्यूअर्स, आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना है, ठीक है, और 12 से 15 मिनट इसको आपने पकाना है, और हर 2 से 3 मिनट बाद आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है, ठीक है। व्यूअर्स, तो 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और आपको दिखाते हैं कि इसकी कैसी शक्ल निकली है, कितना मज़े का है, कितना क्रिस्पी है, आपको बताते हैं। जी व्यूअर्स, तो हमारा चिकन ब्रोस्ट तैयार हो चुका है, बहुत क्रिस्पी है, बहुत नरम है, बहुत जूसी है, बहुत मज़ेदार है। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, चेक करें कितना ज़बरदस्त है। वो बहुत गर्म है भाई, बहुत गर्म है, चेक करें, बहुत ज़बरदस्त है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें, अपने घर में अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, सबको बना के खिलाएं और इंजॉय करें। जी व्यूअर्स, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। कुकॉलेज विद मारूज एंड फहद, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।